गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा जो विषय चल रहा है भारत की खोज, जो आपके पाठ्यक्रम में पूरक पाठ्य पुस्तक है, इससे जो तीसरा अध्याय है सिंधु घाटी की सभ्यता, इसमें से हम जो इसके तीन अंश है, तीन अंश कल कर चुके हैं, आज चौथा, पांचवा और छठा, ये तीन अंश करेंगे। तो आज इन्हीं पर चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो पहले आप चौथे अंश का सारांश जान लीजिएगा, वेद। वेद क्या है? देखिए, वेद की उत्पत्ति वेद धातु से हुई है, संस्कृत की वेद धातु से वेद शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ है जानना। वेद का सीधा संबंध है अपने समय के ज्ञान का, अपने समय के ज्ञान को एकत्रित करना, संग्रहित करना। उसमें न मूर्ति पूजा है, न देव मंदिर है, ठीक है। और इस तरह से वैदिक युग के आर्यों में जीवन के प्रति इतना जोश था कि उन्होंने आत्मा पर बहुत ही कम ध्यान दिया। वे मृत्यु के बाद किसी अस्तित्व में कम ही विश्वास करते थे। इस तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहला वेद यानी ऋग्वेद मानव जाति की पहली पुस्तक है, और इसमें मानव मन की सभी भावनाओं के बारे में बताया गया है। और काव्य प्रवाह के साथ साथ प्रकृति का सुंदर चित्रण भी इसमें मिलता है। इसके अलावा मनुष्यों द्वारा किए गए विशेष कार्यों का लेखा जोखा भी इस ग्रंथ के अंदर मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से वेदों के आधार पर कहा जा सकता है कि वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस संसार को निरर्थक मानने वाले नहीं थे। इस तरह से वेदों से यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब भी भारत में सभ्यता की बाढ़ आई, तब ऐसे हर दौर में जीवन और प्रकृति में लोगों ने गहरी दिलचस्पी ली है। कला, संगीत, साहित्य और साथ ही नाच गाने की कला, चित्रकला, रंगमंच आदि सबका अच्छे से विकास किया है। इन सब से यही कहा जा सकता है कि भारत की संस्कृति जीवंत संस्कृति थी, न कि पारलौकिकता में विश्वास करने वाले। इस तरह से बहुत से पश्चिमी देशों के लेखकों ने इस बात को बढ़ावा दिया कि भारतीय लोग परलोक प्रायण होते हैं। तो नेहरू जी ने बताया भी है कि मैं समझता हूं कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग एक हद तक परलोक में विश्वास करने वाले होते हैं। जब तक ये बात किसने कही थी? नेहरू जी ने कही थी। जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते, यही बात गुलाम देश पर लागू होती है। अर्थात नेहरू जी का मानना था कि भारत के प्राचीन इतिहास को देखा जाए तो उन्नत व विकसित है, लेकिन गुलामी की जंजीरों में जकड़ने पर भारतीयों की सोच में परिवर्तन आ गए। इस तरह से जो अगला अंश है आपका पांचवें अंश का सारांश भी जान लीजिएगा, भारतीय संस्कृति की निरंतरता। तो भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है कि 3-4 हजार वर्षों से ये लगातार चल रही है, और यहाँ का साहित्य, दर्शन, कला, नाटक, जीवन के तमाम क्रियाकलाप विश्व दृष्टि के अनुरूप हमें देखने को मिलते हैं। भारत के पूर्ण रूप से विकास हेतु जाति व्यवस्था भी बनाई गई, लेकिन समय रहते इसने विकृत रूप धारण कर लिया। इस प्रथा ने समाज को ऊंच नीच वर्गों में बांट दिया। इस तरह से इस प्रथा के समाज को प्रभावित करने के बावजूद भी भारत हर क्षेत्र में विकास की राह पर निरंतर आगे बढ़ रहा है, और बाहरी जातियों जैसे ईरानी, यूनानियों, चीनी, मध्य एशियाई व अन्य लोगों से उसके संपर्क लगातार बने रहे हैं। फिर छठा जो अंश है उपनिषद का सारांश है। उपनिषदों में जांच पड़ताल की चेतना और चीजों के बारे में सत्य की खोज के बारे में बताया गया है। इनका समय ईसा पूर्व 800 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ये लिखित दस्तावेज के रूप में है। इनमें वैज्ञानिक पद्धति के तत्व भी दिखाई देते हैं। इनमें आत्मबोध पर बल दिया गया है उपनिषदों में, और आत्मा और परमात्मा के संदर्भ में भी इनमें बताया गया है। उपनिषदों का झुकाव
किसी धर्म विशेष को न मानना था। इनका मुख्य उद्देश्य लोगों के आपसी मतभेदों को कम करना था, लोगों के जादू टोनों के विचारों से हटाकर कर्म करने की प्रवृत्ति की ओर बढ़ाना था। पूजा पाठ को व्यर्थ बताया इन्होंने। इनकी मुख्य विशेषता थी सच्चाई पर बल देना। इन्होंने साफ लिखा है कि असत से सत की ओर ले चल, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चल। इनमें मनुष्य की इच्छा को पूरी करने हेतु निराकार ईश्वरीय सत्ता को सत्ता के संदर्भ में बताया है। वे मनुष्य को प्रेरित और इन्होंने मनुष्य को प्रेरित किया है। इन्होंने बताया कि हे यात्री, ये यात्री इसलिए चलते हैं ताकि वो चलते रहे और सदैव सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। तो ये उपनिषदों में बताया गया है। तो पेन पेंसिल आप साथ में रखिएगा। तो पहले जानेंगे वेद के बारे में। वेद जो पंक्ति महत्वपूर्ण होगी उसे आप रेखांकित करते जाना। बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। उनका असली महत्व इस बात का उद्घाटन करने के कारण है। उद्घाटन होता है किसी चीज का, एक तरह से कोई नई चीज है उसका एक तरह से लोकार्पण करना, लोगों को दिखाना कि इस चीज का निर्माण किया है। कि विचारों की आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने, मस्तिष्क होता है जो सोचने समझने की जो ताकत होती है हमारे अंदर, ने कैसे अपने को व्यक्त किया था। वह मस्तिष्क सचमुच कितना अद्भुत था। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है। ये पंक्ति रेखांकित कर ले आप, पेपर में पूछा जाएगा आपसे वेद शब्द से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पंक्ति उसके उत्तर में आप लिखोगे। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है जिसका अर्थ है जानना। अतः वेद का सीधा साधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। उनमें न मूर्ति पूजा है न देव मंदिर। ये सभी बातें आप रेखांकित करते जाना। ठीक है, वैदिक युग के आर्यों में जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। पहला वेद यानी ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है। अब इस पंक्ति को आप रेखांकित कर ले, क्योंकि अगर आपसे पहला पूछा जाए कि पहला वेद कौन सा है, ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद के संदर्भ में आप बताओगे। अगर कोई आपसे पूछे कि पहला वेद का क्या नाम है, तो ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या बताया गया है, यजुर्वेद में क्या बताया गया है, सामवेद में क्या बताया गया है, अथर्ववेद में क्या बताया गया है, ये सभी बातें आपको बताई जाएंगे। ठीक है, तो इनमें हमें मानव के सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं, काव्य प्रवाह मिलता है। अब देखो, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ऋग्वेद को पढ़कर आपको क्या चीजें प्राप्त हुई, तो ये जो काव्य पंक्ति आप ये जो ये पंक्तियां पढ़ रहे हो आप, मानव मन के सबसे आरंभिक उद्गार मिले, काव्य प्रवाह मिला, प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षोमाद मिलता है। ठीक है, ये सभी बातें उसमें आप लिखोगे। ठीक है, तो हर्षोन्माद क्या होता है, हर्ष का जो आनंद होता है उसको, खुशी का जो आनंद है, जो खुशी है, जो आनंद है, उसको हर्षोन्माद बोलते हैं, हर्ष का उन्माद। ठीक है, इसके अलावा हमें मनुष्य के उन साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड मिलता है जो लंबे समय पहले किए गए। यहीं से भारत ने एक ऐसी तलाश आरंभ की जो उसके बाद कभी समाप्त नहीं हुई। ये सभी पंक्तियां आप इसमें लिखोगे। ऋग्वेद की क्या क्या विशेषताएं हैं, अगर आपसे कोई पूछे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर दो बन जाएगा इसमें कि ऋग्वेद की क्या विशेषता है, ऋग्वेद में किन चीजों के बारे में बताया गया है। तो ये चीजें आप इसमें पांच छह जो पंक्तियां हैं ये आप लिखोगे। ठीक है ना,
तो आगे चलिएगा, रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड का मतलब लेखा जोखा, ठीक है। सभ्यता के उस काल में ही प्रबल और सहज कल्पना से संपन्न लोग जीवन में छिपे हुए अनंत रहस्य को जानने के लिए सजग हुए। उस काल का मतलब होता है शुरुआती दौर, स्टार्टिंग का, सवेरे का, ठीक है, मॉर्निंग टाइम जो होता है उसे उषा काल बोलते हैं, ठीक है। तो और सजग, सजग का मतलब होता है सचेत होना, एक्टिव होना, सतर्क होना, ठीक है। उन्होंने अपनी सहज आस्था के कारण प्रकृति के प्रत्येक तत्व और शक्ति में देवताओं का आरोप किया, पर इस सब में साहस और आनंद का भाव था। बहुत से पश्चिमी लेखकों ने इस ख्याल को बढ़ावा दिया है कि भारतीय लोग परलोक प्रायण है। मैं समझता हूं कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग, और क्या अभागे लोग, अभागे लोग एक हद तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते। यही बात गुलाम देश के लोगों पर लागू होती है। हमें भारत में भी और स्थानों की तरह विचार और कर्म की दो समानांतर विकसित होती धाराएं दिखाई पड़ते हैं। समानांतर क्या होता है? समानांतर होता है समान अंतर प्रकट करना, ठीक है, इक्वल डिफरेंस बताना। एक जो जीवन को स्वीकार करती है और दूसरी जो जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती है। अलग अलग युगों में कभी बल एक पर होता है और कभी दूसरे पर, परंतु इतना निश्चित है कि वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाले नहीं है। निरर्थक, निरर्थक निरुपसर्ग है, निरउपसर्ग का प्रयोग है इसमें, ठीक है। तो जब भी भारत की सभ्यता में बाहर आई तब ऐसे हर दौर में जीवन और प्रकृति में लोगों का गहरा रस लिया गया, जीने की प्रक्रिया में आनंद लिया। ऐसे युगों में कला, संगीत और साहित्य, साथ ही गाने नाचने की कला, चित्रकला, रंगमंच सब का विकास हुआ। इस बात को ग्रहण करना मुमकिन नहीं है कि कोई संस्कृति या जीवन दृष्टि जिसका आधार पारलौकिकता हो। पारलौकिकता का क्या मतलब होता है? पारलौकिकता का मतलब होता है ईश्वरीय लोक में विश्वास करना, परमपिता परमात्मा में भरोसा करना, उसे पारलौकिकता बोलते हैं। या जो विश्व को व्यर्थ मानती हो वह सशक्त और विविधतापूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति के इतने रूपों की रचना कर सकती थी। वही संस्कृति जो बुनियादी तौर पर पारलौकिकतावादी होगी वह हजारों वर्ष बनी नहीं रह सकती। आगे है पांचवां अंश, देखिए, भारतीय संस्कृति की निरंतरता। निरंतरता यानी कि लगातार चलते रहना, कंटिन्यूटी में भारतीय संस्कृति बरकरार रहना, ठीक है। हमें आरंभ में एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। इसी समय मूल आदर्श आकार ग्रहण करने लगते हैं। आकार होता है रूप, आकार का मतलब क्या होता है? रूप। और साहित्य और दर्शन, कला और नाटक, जीवन के और तमाम क्रियाकलाप इन आदर्शों और विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं। इसी समय उस विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है जो बाद में बढ़ते बढ़ते ऐसा ही हो जाता है। ऐसा ही का मतलब होता है जो सहन करने योग्य ना हो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ये, ठीक है। यही प्रवृत्ति आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है। यह व्यवस्था एक खास युग की परिस्थिति के लिए बनाई गई। इसका उद्देश्य था कि उस समय की समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना और उसे शक्ति और संतुलन प्रदान करना।
किंतु बाद में यह उसी समाज व्यवस्था और मानव मन के लिए कारागृह बन गई। कारागृह का मतलब होता है बंदीघर, जेलघर, ठीक है, जेल जिसे बोलते हैं। फिर भी यह व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही। उस ढांचे के भीतर बंधे रहते हुए भी सभी दिशाओं में विकसित करने की मूल प्रेरणा इतनी प्राणवान थी कि इसका उसका प्रसार सारे भारत में और उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्रों तक हुआ। इतिहास के इस लंबे दौर में भारत अलग अलग मीरा ईरानियों और यूनानियों से, चीनी और मध्य एशिया अन्य लोगों से उसका संपर्क बराबर बना रहा। 3-4 हजार वर्षों का यह सांस्कृतिक विकास और उसका अटूट सिलसिला अद्भुत है। अटूट होता है जो निरंतर निरंतर बना रहने वाला, ठीक है, और अद्भुत होता है अजीबोगरीब, ठीक है, वंडरफुल जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये अंश भी आपका समाप्त हो गया। अब अगला अंश है उपनिषद। उपनिषद उपनिषद के बारे में जान लीजिएगा। उपनिषद का समय ईसा पूर्व 800 के आसपास से माना जाता है। ये पंक्ति आप रेखांकित कर ले। वे हमें भारतीय आर्यों के चिंतन में एक कदम और आगे ले जाते हैं और यह एक लंबा कदम है। उपनिषदों में जांच पड़ताल की चेतना और चीजों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई पड़ता है। यह सही है कि सत्य की खोज आधुनिक विज्ञान की वस्तु में पत्ती से नहीं की गई, फिर भी उनके दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पत्ती का तत्व मौजूद है। दृष्टिकोण क्या होता है? दृष्टिकोण होता है नजरिया। दृष्टिकोण क्या होता है? नजरिया। वे किसी किस्म के हटवाद को अपने रास्ते में नहीं आने देते। उनका जोर अनिवार्य रूप से आत्मबोध पर है, व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान पर है। इन दोनों को मूलतः एक कहा गया है। बाह्य वस्तु जगत को मिथ्या तो नहीं कहा गया, पर उसे सापेक्ष रूप में सत्य कहा गया है। ये जो पंक्ति है ये आप रेखांकित कर ले। बाह्य वस्तु जगत को मिथ्या तो नहीं कहा गया, पर उसे सापेक्ष रूप में सत्य कहा गया, क्योंकि उपनिषदों की विशेषता के संदर्भ में जब पूछेंगे या उपनिषदों के लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है या उपनिषदों में प्रार्थना में उन उपनिषदों की प्रार्थना में क्या कामनाएं की गई है, ये सभी बातें आप बता सकते हो। आप उसकी विशेषता में ये पंक्ति लिखोगे, ठीक है। तो बाह्य होता है बाहरी, बाह्य क्या होता है? बाहरी। और मिथ्या क्या होता है? मिथ्या होती है झूठ। मिथ्या का मतलब क्या है? झूठ। उपनिषदों का सामान्य झुकाव अद्वैतवाद की ओर है। अद्वैतवाद क्या होता है ये जान लीजिएगा आप। अद्वैतवाद से आप क्या समझते हो, या अद्वैतवाद के बारे में आपको क्या जानकारी प्राप्त है? इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। अद्वैत का मतलब होता है, अद्वैत का मतलब है किसी भी धर्म को विशेषता दिए बगैर परमपिता परमात्मा के बारे में जानकारी प्राप्त करना। कोई किसी एक धर्म को आप महत्व नहीं दोगे, किसी वो ये हिंदू है मुस्लिम है, किसी एक धर्म को महत्व ना देकर आप सीधे किसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त करोगे? परमपिता परमात्मा में लीन रहना, उसे अद्वैतवाद बोलते हैं। उसे क्या बोला जाता है? अद्वैतवाद। और सारे दृष्टिकोण का इरादा यही मालूम होता है कि उस समय जिन मतभेदों के कारण भयंकर वाद विवाद हो रहे हैं, वाद विवाद हो रहे थे, उन्हें किसी तरह कम किया जाए, उन्हें किसी तरह कम किया जाए। यह समझन का रास्ता है। समझन यानी कि आपस में एक दूसरे को मिलाने का। जादू टोने में दिलचस्पी या किसी किस्म के लोकोत्तर ज्ञान को सख्ती से निरुत्साहित किया गया है। लोकोत्तर, लोकोत्तर क्या होता है? लोगों को जानना। लोकोत्तर का मतलब क्या होता है? लोगों का जानना। और निरुत्साहित का
मतलब क्या होता है, उत्साह को खत्म कर देना बिना उत्साह के, बिना उत्साह के, बिना जोश उमंग के, उसे बोलते हैं निरुत्साह। और बिना सच्चे ज्ञान के कर्मकांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया गया है। कर्मकांड क्या होता है, जो कार्य करते हैं हम, ठीक है। उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता है सच्चाई पर बल देना। अब ये पंक्ति आप लिखोगे उसकी विशेषता में, उपनिषदों की विशेषता में, उपनिषदों की मशहूर प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की कामना की गई है। असत से मुझे सत की ओर ले चल, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल, मृत्यु से मुझे अमरत्व की ओर ले चल। बार बार हमें एक बेचैन मन जागता दिखाई पड़ता है, जो निरंतर किसी खोज में, किसी प्रश्न का उत्तर पाने में लगा रहता है। ऐतरेय ब्राह्मण में इस लंबी अनंत अनिवार्य यात्रा के बारे में एक स्रोत है। हर श्लोक का अंत इस टेक से होता है। टेक क्या होता है, आवाज। टेक क्या होता है, आवाज। और ऐतरेय ब्राह्मण क्या होता है, ऐतरेय ब्राह्मण होता है एक, ये उपनिषदों का एक हिस्सा होता है, उपनिषदों का एक पार्ट होता है, भाग होता है, ठीक है। उसे ऐतरेय ब्राह्मण बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, चरेवेती चरेवेती, चरेवेती चरेवेती का मतलब होता है चलते रहो चलते रहो, हे यात्रियों इसलिए चलते रहो चलते रहो, ठीक है। तो ये आपका उपनिषद के बारे में आप जान चुके हो इस अध्याय से, इस अंश से। अब जो आगे आपका सातवां जो इस अंश है, व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियां। अब इसमें अगर जो सारांश मैं आपको बताऊं इसका भी, तो उपनिषदों में निरंतर इसी बात पर बल दिया गया कि मनुष्य द्वारा प्रत्येक अक्षेत्र में उन्नति करने के लिए आवश्यक है उसका शरीर स्वस्थ हो, मन साफ हो, तन मन दोनों अनुशासन से बंधे हुए हो, किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने हेतु या कोई उपलब्धि प्राप्त करने के लिए स्वभाव में संयम, आत्म प्रेरण और आत्म त्याग भी होना जरूरी है। ये बातें सभी इस सातवें अंश में बताई गई हैं। और भारतीय आर्य व्यक्तिवाद में विश्वास करते थे, सभी लोग अपनी पसंद की जिंदगी जिया करते थे। इसका परिणाम यही हुआ कि लोग केवल अपने पर ध्यान देने लगे, समाज के प्रति कर्तव्यों को लोगों ने बुलाना शुरू कर दिया। इस तरह से व्यक्तिवाद, अलगाववाद और ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद पर बल दिया गया, और जाति व्यवस्था को बढ़ावा देने के कारण से लोगों की बौद्धिक जड़ता बढ़ती गई और रचनात्मक जो ताकत है वो रचनात्मक ताकत खत्म होती गई। इस तरह से गांधी जी ने जब देश को आजाद कराने हेतु जन आंदोलन चलाए तो उनके विचारों में यही विशेषता देखने को मिलती है कि समाज जाति बंधनों से मुक्त हो, वे स्वस्थ शरीर वाले बने, स्वस्थ मन वाले बने, संयमी बने, आत्म पीड़न और आत्म त्याग की भावना से वो लगातार काम करते रहे, ठीक है। तो ये सभी बातें गांधी जी के आंदोलनों से भी हमें प्राप्त होती है। तो इसमें व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियां इस अंश में हम यही जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, उपनिषदों में बराबर इस बात पर जोर दिया गया कि कारगर रूप से प्रगति करने के लिए जरूरी है कि स्वस्थ शरीर स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो, तन मन दोनों अनुशासन में रहे। कारगर का मतलब होता है सही, कारगर का मतलब क्या होता है, सही। और अनुशासन का मतलब होता है जो नियमों का पालन करने वाले होते हैं, जो किसका पालन करने वाले हो, नियमों का पालन करने वाले। ज्ञानार्जन या किसी भी तरह की उपलब्धि के लिए संयम, आत्म पीड़न और आत्म त्याग जरूरी है। ये बातें आप रेखांकित कर ले, ठीक है। ज्ञानार्जन का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना, और आत्म पीड़न का मतलब होता है खुद को दुख देना, और आत्म त्याग का मतलब होता है किसी कार्य या उपलब्धि हेतु जान की परवाह न करना। कोई काम है उसमें आपको अपनी जान की परवाह न करना, या कोई भी अचीवमेंट आपको प्राप्त करनी है, ठीक है,
तो उसमें आप अपनी जान की परवाह बिल्कुल भी नहीं करोगे, आत्म त्याग कर दोगे, खुद का त्याग कर देना। इस प्रकार की तपस्या का विचार भारतीय चिंतनन में सहज रूप से निहित है। भारतीय चिंतनन का मतलब होता है भारत पर जो विचार करने वाले होते हैं उन्हें भारतीय चिंतनन बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? भारतीय चिंतनन। गांधी जी के नेतृत्व में जन आंदोलनों ने भारत को हिला दिया। उनके पीछे जो मनोवृत्ति काम करती रही है, मनोवृत्ति का मतलब क्या होता है? मन की वृत्ति यानी कि इच्छा। मनोवृत्ति का मतलब क्या हो गया? इच्छा। क्या हो गया? इच्छा, ठीक है। मनोवृत्ति काम करती रही है, उसकी सही समझ के लिए इस विचार को समझना जरूरी है। भारतीय आर्य अपने से भिन्न औरों के विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति चरम सहनशीलता के कारण उन झगड़ों को बचाते रहे जो अक्सर समाज को खंड खंड कर देते हैं। खंड खंड का मतलब होता है बांट देना, टुकड़ों में बांट देना, विभाजित कर देना, ठीक है। उन्होंने एक तरह का संतुलन बनाए रखा, एक व्यापक ढांचे के भीतर रहते हुए भी लोगों को अपनी पसंद की जिंदगी बसर करने की काफी छूट देकर उन्होंने एक प्राचीन और अनुभवी जाति की समझदारी का परिचय दिया। उनकी ये उपलब्धियां बहुत अनोखी थी, लेकिन उनके इसी व्यक्तिवाद का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने मनुष्य के सामाजिक पक्ष पर, समाज के प्रति उसके कर्तव्य पर कम ध्यान दिया। हर व्यक्ति के लिए जीवन बटा और बंधा हुआ था। उनके मन में एक समग्र समाज की न कोई कल्पना थी, न उसके प्रति कोई दायित्व बोध था। अब समग्र क्या होता है? समग्र का मतलब होता है पूरा, सारा, ठीक है। और दायित्व होता है कर्तव्य। दायित्व का मतलब क्या है? कर्तव्य, ठीक है। इस बात का भी कोई प्रयास नहीं किया गया कि वह समाज के साथ एकात्मकता महसूस करे। एकात्मकता का मतलब होता है एक रूप महसूस करे, ठीक है। इस विचार का विकास शायद आधुनिक युग में हुआ, किसी प्राचीन समाज में यह नहीं मिलता, इसलिए प्राचीन भारत में इसकी उम्मीद करना गैर मुनासिब होगा। गैर मुनासिब का मतलब होता है जो संभव ना हो सके, यानी कि संभव ना होना, उसे गैर मुनासिब बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? गैर मुनासिब। व्यक्तिवाद, अलगाववाद और ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद पर भारत में कहीं अधिक बल दिया जाता रहा। बाद में हमारी जनता का दिमाग इस प्रवृत्ति का बंदी बन गया। हमारे पूरे इतिहास में यह बहुत बड़ी कमजोरी रही कि यह कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था में शक्ति के बढ़ने के साथ साथ हमारी बौद्धिक जड़ता बढ़ती गई और जाति की रचनात्मक शक्ति धुंधलाती चली गई। अब अगला अंश है भौतिकतावाद। अगला अंश क्या है? भौतिकतावाद। आप देखो भौतिकतावाद क्या होती है, इसे अंग्रेजी में शायद मैटेरियलिज्म बोलते हैं। मैटेरियलिज्म यानी कि पंचभूत निर्मित यह संसार ही सत्य है और यह सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला होता है, उसे भौतिकतावाद बोला जाता है। अब देखें भौतिकतावाद के संदर्भ में अगर थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करोगे तो भौतिकतावाद एक ऐसी विचारधारा रही है जो केवल कर्म में विश्वास करती है, अपने कामों में विश्वास करती है। उनके अनुसार वास्तविक अस्तित्व केवल विभिन्न रूपों में वर्तमान पदार्थों का और इस संसार का है। इसके अलावा न कोई संसार है, न कोई स्वर्ग है, न नरक है, न ही शरीर से अलग आत्मा। भौतिकतावाद के साहित्य की रचना आरंभिक उपनिषदों के पश्चात हुई है। ऐसी काफी पुस्तकें खो चुकी हैं जिनमें भौतिकतावाद का साहित्य था, क्योंकि शुरू में साहित्य कागज पर न लिखकर ताड़ पत्रों पर लिखा जाता था। और इस तरह से भारत की कई प्राचीन पुस्तकें भारत में नहीं मिलती, लेकिन उनके अनुवाद चीनी और तिब्बती भाषा मिलते हैं। केवल भारत का ही नहीं बल्कि हमने प्राचीन यूनान, विश्व के अन्य देशों के प्राचीन साहित्य को भी खोजा है।
कई पुस्तकों की आत्मलोचना पुस्तकें उपलब्ध हुई हैं, लेकिन मूल पुस्तकें हमें आज भी प्राप्त नहीं हुई। इस तरह से भारत में वर्षों तक भौतिकतावादी दर्शन का प्रचलन रहा और जनता पर उसका गहरा असर भी पड़ा है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र है। इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का चित्रण है उन्होंने किया है। यह रचना ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में लिखी गई थी। और इस तरह से भौतिकतावादियों ने विचार, धर्म, ब्राह्मण वादिता, जादू टोने और अंधविश्वासों का घोर विरोध भी किया। वे अतीत की बेड़ियों से स्वयं को मुक्त कराना चाहते थे, जो प्रमाण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई न दे या काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। जीवन की वास्तविक सत्ता ही उनके समक्ष असली सत्ता मानी जाती थी, उन्होंने असली सत्ता मानी है। ठीक है, तो पढ़िए इसे भौतिकतावाद को। हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य होता है बदकिस्मती होता है जो जिसका भाग्य बुरा होता है। ठीक है, कि हमने यूनान में, भारत में और दूसरे भागों में विश्व के प्राचीन साहित्य के एक बहुत बड़े हिस्से को खो दिया। यह है शायद इसलिए हुआ कि इन ग्रंथों को आरंभ में ताड़ पत्रों पर या बोझ पत्रों पर लिखा गया। ताड़ पत्र या बोझ पत्र क्या होते हैं? जो पेड़ों की छाल या पत्ते होते हैं ना, उनको ही ताड़ पत्र या बोझ पत्र बोलते हैं, पेड़ों की छाल या पत्तों को। ठीक है, यह शायद इसलिए हुआ कि इन ग्रंथों को आरंभ में ताड़ पत्रों पर या बोझ पत्रों पर लिखा गया था। कागज पर लिखने का चलन बाद में हुआ। बहुत से प्राचीन भारतीय पुस्तकें अब तक भारत में नहीं मिली, पर चीनी और तिब्बती भाषा में उनके अनुवाद मिल गए हैं। जो पुस्तकें खो गई हैं उनमें भौतिकतावाद पर लिखा गया पूरा साहित्य है, जिसकी रचना आरंभिक उपनिषद के ठीक बाद हुई थी। इस साहित्य का हवाला अब सिर्फ इनकी आलोचनाओं में मिलता है। इनकी किस में मिलता है? आलोचनाओं में। या फिर भौतिकतावादी नहीं है कि भारत में सदियों तक भौतिकतावादी दर्शन का प्रस्ताव रहा और जनता पर उस समय उसका गहरा प्रभाव रहा, राजनीतिक और आर्थिक संगठन पर। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों के रूप में किया गया। भारत में भौतिकतावाद के बहुत से साहित्य की पुरोहितों और धर्म के पुराण पंथी स्वरूप में विश्वास करने वाले लोगों ने बाद में नष्ट कर दिया। लोगों ने इसे क्या कर दिया? बाद में नष्ट कर दिया। ठीक है, उन्होंने भौतिकतावादियों ने विचार, धर्म और ब्रह्म विज्ञान के अधिकारी और तीन रह जाते। उन्होंने वेदों, पुरोहिताई परंपरा प्राप्त विश्वासों पर विचार करते हुए यह घोषणा की कि विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए और पहले से मान ली गई बातों या अतीत के प्रमाणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने हर तरह के जादू टोने और अंधविश्वास की घोर निंदा की। उनका सामान्य रूप अनेक दृष्टियों से आधुनिक भौतिकतावादी दृष्टिकोण जैसा था। वे अपने आप को अतीत की बेड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे, उन तमाम बातों से जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती, साथ ही काल्पनिक देवताओं की पूजा से भी। उनके अनुसार वास्तविक अस्तित्व केवल विभिन्न रूपों में वर्तमान पदार्थ का और इस संसार का ही माना जा सकता है। इसके अलावा न कोई संसार है, न स्वर्ग है, न ही नरक है और न ही शरीर से अलग कोई आत्मा। मन एवं बुद्धि और बाकी सब चीजों का विकास बुनियादी तत्वों से हुआ है। भौतिक नियम मनुष्य के द्वारा बनाई गई रूढ़ियां मात्र हैं। रूढ़ियां क्या होती है? जो दक्यानुसी विचार होते हैं उन्हें रूढ़ियां बोलते हैं, और पुराण पंथी होते हैं जो पुराणों की शिक्षा देने वाले होते हैं, पुराणों के आधार पर चलने वाले जो लोग होते हैं, और पुरोहित होते हैं जो पंडित होते हैं, ब्राह्मण जो होते हैं उन्हें पुरोहित बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें एक सवाल सबसे बड़ा है।